ग्राम प्रधान पुत्र विपिन कुमार निवासी कुआं खेड़ा विकास खंड डिलारी जनपद मुरादाबाद ने 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने आवास पर सभी देशवासियों व गाँव वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। विपिन कुमार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आपका नाम? विपिन कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत? कौन सी ग्राम पंचायत? कुआखेड़ा में। आपकी 15 अगस्त आ रही है, उस विषय में, उसके बारे में आप अपने गांव वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव वासियों को और देशवासियों के लिए संदेश यही है कि 15 अगस्त की सभी ग्राम वासियों और देशवासियों को और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। जैसे कि गांव वालों ने उम्मीद करके आपको दोबारा से प्रधान चुना है, एक बार पहले भी आपने 5 साल प्रधानी की थी, इस बार भी आपकी मम्मी को चुना है, तो क्या उम्मीदें रही हैं इस बार गांव वालों की? लोगों का विकास से ही उम्मीद है कि विकास होएगा, मतलब विकास पिछला जब हम पे मतलब प्रधानी नहीं थी उस मतलब उस बीच में विकास गाँव में नहीं हुआ है। सब मतलब खड़ंजे वड़ंजे सब अभी ऐसे ही, आप मतलब स्थिति देखी है जी जी, क्या स्थिति मतलब हुई पड़ी है गाँव की। तो जो विकास आना चाहिए था, होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। 10 साल में वो विकास नहीं हुआ। तो विकास में किस तरह से अब आप अपने गांव वालों को संतुष्ट करेंगे? संतुष्ट यही है कि जैसे हमने मतलब पिछले 5 साल में विकास किया था, इस बार भी ऐसे ही विकास करेंगे, मतलब उसमें लगे हुए हैं, विकास कार्य मतलब शुरू कराने मतलब जा रहे हैं जी जी। और पंचायत भवन बनना है तो उसका थोड़ा मतलब चल रहा है कि पंचायत भवन बन जाए, काम शुरू हो जाए तो विकास कार्य बाकी गांव का शुरू कर देंगे जी। जैसे कि अभी 3 महीने बीत चुके हैं जी, आप निर्वाचित चुनाव होने को और प्रधान बनने को, तो उस बीच आपने कितना काम अपने गांव में कराया? जी मैंने नरेगा से काम किया है, मतलब कराए हैं जी, 4-5 मतलब कच्चे रास्ते मतलब नरेगा से करा दे हैं जी जी। बाकी अभी पक्का टाइल्स का कार्य या वो कार्य मतलब शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे बाकी अदर पंचायतों में तो टैक्स का कार्य शुरू हो चुका है? हाँ, तो वो यहाँ थोड़ा उसका इशू है पंचायत भवन का। अच्छा, पंचायत भवन का पहले मतलब निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, जब उसके बाद मतलब विकास कार्य की ओर सरकार मतलब ध्यान देंगे, आप भी विकास कार्य की ओर ध्यान देंगे, मतलब पहले से बेहतर विकास कार्य अपने गाँव में होगा। अच्छा, जैसे कि अभी प्रधानी बीती है, उस उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो प्रधानी बीती है वो तो मतलब एक तरह से मतलब बहुत हमारा गांव जो मतलब एक पूरा पुलिस चौकी बना हुआ था उस बीच जी। मतलब पिछली जो प्रधानी थी गांव में, मतलब गांव में दंगे हिंदू मुस्लिम जैसे मतलब सारे विवाद इन 5 साल में हुए हैं गांव में भी। अभी जनता ने कुछ विवाद को लेकर के मतलब रोष व्यक्त किया था उनके खिलाफ, और कुछ विवादित रहा है ये भी अभी जनता ने यहाँ पर। हाँ, तो वो यही है कि मतलब जो मतलब एक नाला है उस पर मतलब विवाद का है, तो मतलब वो जो मतलब विपक्ष लोग हैं, वे लोग जो पूर्व प्रधान के मतलब लोग हैं उसके समर्थक हैं, वो उसे खुदने नहीं दे रहे हैं, मतलब वो आगे वो विवाद